झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री ने आज आए अपने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों में किसी बढ़त को रोकने के लिए अगले महीने से प्याज के बफर स्टॉक के मंडियों में प्याज जारी करना शुरू करेगी और ये प्रक्रिया साल के अंत तक जारी रहेगा। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद के ऊपरी सदन में दिए गए अपने लिखित जवाब में ये बात कही है। गौरतलब है कि भारत की खुदरा महंगाई कई महीनों से आरबीआई की टॉलरेंस यूनिट पर बनी हुई है। कच्चे तेल कमोडिटी और फूड की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। बता दें प्याज की कीमतें भारत में राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील मानी जाती है। पिछले उदाहरण से पता चलता है कि इसमें सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता है, क्योंकि प्याज हर भारतीय के खाने का एक अभिन्न अंग है। ये सब ध्यान में रखते हुए सरकार प्याज की कीमतों पर लगातार चौकन्नी है। वही बता दें अश्विनी कुमार चौबे ने यह भी बताया कि 2022 के रबी सीजन में खरीदारी करके सरकार ने 2022-23 के लिए प्याज का 2.50 लाख मैट्रिक टन का बफर स्टॉक बनाया है। गौरतलब है कि इसके पहले सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में होने वाली बढ़त में आई तेजी को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा था, जिससे गेहूं की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इस तेजी को रोकने के लिए सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार देश में फूड प्राइस में बढ़ोतरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने, जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी करने, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने, उसका कोटा तय करने जैसे तमाम तरीके अपनाती है। दालों और प्याज का बफर स्टॉक कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि जून महीने में खाने पीने की चीजों की थोक महंगाई दर 10.89% से बढ़कर 12.41% पर आ गई थी, जिससे महीने दर महीने आधार पर 1.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।